दुकानें बंद थी, लोग खड़े थे, लेकिन बाद में दुकानें खोल दी गई मुंबई में, शायद लोगों की इस तपस्या को देखते हुए कि वो सुबह से ही दुकानों के बाहर खड़े हो गए थे। आइए अब आपको मुंबई के बाद राजस्थान का हाल बताते हैं। राजस्थान सरकार में लॉकडाउन 3.0 में आज से रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों जोन में शराब की दुकानें खोलने की परमिशन मिल गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की सख्त हिदायत के साथ। लेकिन क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए जयपुर से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट। राजस्थान में भी शराब बिक्री के जैसे ही ऑर्डर आया है उसके बाद जयपुर में तमाम शराब की दुकानें खुली हैं, लेकिन उसके बाद आलम देखिए लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई हैं। हालत यह है कि पुलिस ने दुकान को बंद करा दिया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मीडिया वाले जो आए हैं उनसे भी कह रहे हैं कि आप जाइए किसी तरीके से, हम शराब यहाँ पे किसी तरीके से लेना चाह रहे। क्या भाई क्या दिक्कत है आपको? है आप क्यों आए हो यहाँ पे? अपना काम करने काम करो तो करो यार, फिर पब्लिक कितनी परेशान हो रही है आप लोगों की वजह से। मीडिया में आ जाते हर जगह आ जाओगे। हालत ये है कि शराब पीने के लिए लोग लंबी चौड़ी लाइन लगा रहे हैं, और उसके बाद चूंकि यहाँ पर पुलिस आ गई है, पुलिस ने एहतियातन इस शराब की दुकान को बंद कर दिया, लेकिन पिछले 2 घंटे से यहाँ पर तमाम लोगों की लंबी चौड़ी लाइन लगी है, और सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियाँ यहाँ पर उड़ रही है आपके सामने है। और अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने पहुँच कर तमाम जितने भी लोग खड़े थे उनको यहाँ से हटाया, और उसके बाद जो शराब की दुकान थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है फिलहाल।